देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का काम तो ठीक है, घर घर राशन पहुंचाते हैं, हर कुछ कर रहे हैं। ममता ने तो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ के रखा है। इधर में गोरखा लोग बॉर्डर में लड़ता है, फिर भी हमको विदेशी बोलता है, यही है बंगाल का नीति। मोदी जी और 10 वर्ष रहना चाहिए, अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल, पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली दार्जिलिंग में। जी हाँ, अब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है उसको नो द नेशन की टीम जानेगी और जनता के बीच ही चलेगी और जानेगी कि इस बार वो अपना कीमती वोट किसे देने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए नो द नेशन की टीम के साथ और जानते हैं वेस्ट बंगाल का चुनावी माहौल। लोकसभा का चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो इधर है बंगाल में इस बार, इधर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, मोदी का ही जीतने का संभावना है। क्यों? क्योंकि इधर बहुत सारा काम किया है, राशन फ्री किया है लॉकडाउन से, और क्या बोलता है उधर सुजल धारा ये सब दिया है, और टॉयलेट दिया है, गैस दिया है, इसीलिए पब्लिक उस पर सब पूरा एकदम फिदा है और एक तरफा सब उसी को वोट मार रहा है। अब की बार 400 पार। अभी तो हमारा मोदी जी कर रहे हैं, देखने में तो है ना, देश को थोड़ा आगे ला रहे हैं, तो उसी को देना चाहिए। क्या बढ़िया काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने किया है, देश के लिए बहुत आगे लिया, जैसे गरीब के लिए भी काम किया है, अभी थोड़ा किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जैसा जम्मू कश्मीर में था उसको 370 वो भी हट गया है ना, इसीलिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, मोदी जी और 10 वर्ष रहना चाहिए, 10 हो गया और 10 होना चाहिए। देश में विकास आपको देखने को मिला हो इन 10 सालों में? वो आपका सबसे अच्छा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया, कितना डकैती था वहाँ पर साफ कर दिया ना, भ्रष्टाचार था अच्छा किया, जो राम मंदिर था वो कंप्लीट किया, जो कांग्रेस ने नहीं किया था वो मोदी ने आकर कर दिया। मोदी जी हर चीज़ अच्छा ही करता है, डिजिटल इंडिया बनाएंगे बोले हैं, देखते हैं मोदी जी को इस बार देंगे, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। नमस्ते मोदी जी, देश को मजबूत बना के रखे अभी तक, हमारा आर्मी और अच्छा हुआ है, नेवी अच्छा हुआ है। जो लोग वोट देते हैं वो लोग तो बोलते हैं सब मोदी को देंगे। मोदी को क्यों? बहुत सुविधा दे रहा है। क्या सुविधा दिया? राशन पानी सब के लिए, काम के लिए, घर बार के लिए। माहौल देखने से बीजेपी में जाएगा। क्यों मोदी सरकार को क्यों? क्योंकि मैंने बोल बोला उसी का ज्यादा चल रहा है, काम वाम उसी का हो रहा है, इसीलिए उसी को आदमी सब चाह रहा है। क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी यही एक घर घर में गैस दिया, लाइन दिया, अभी सोजल धारा ये सब हो जा रहा है, यही लेके आदमी सब खुश है। क्या लगता है इंडिया अलायंस जो है, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी, ये सब एक साथ हो गए हैं, ये जीत पाएंगे? ये तो मुश्किल है, मुश्किल है जीतने के, क्योंकि अलायंस बन गया है ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी है ना, गरीब के लिए देख रहे हैं है ना, अब ये लोग तो लगता है ये लोग को ये पता साफ होगा। यहाँ पर काम हो रहा है, ममता दीदी काम कर रही है आप लोग के लिए? यहाँ पर नहीं कर रही है। नहीं कर रही है? क्या नहीं की कुछ तो कहाँ, अभी बगर का कुछ भी नहीं देख रही है हम लोग के पास। नहीं देख रही नहीं? वो तो बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की जितनी जनता है हमसे खुश है। हाँ, बगर को देख भी नहीं कर रही है हम लोग का जमीन जगह को ना। क्या क्या परेशानी आ रही है? अभी तो हम लोग का बगर में केवल ये हम लोग कमा रहे हैं तो तालाब केवल मिल रहा है और बाकी बात कुछ कुछ में मिल रहा था ना। ममता ने तो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ के रखा इधर में। क्या बिगाड़ा है ऐसा? हमारा मांग नहीं देता है ना। क्या मांगे हैं आप? गोरखालैंड है हमारा मांग। और क्या परेशानी आ रही? और हम वो लोग हमको विदेशी बोलता है ना, हमारा गोरखा लोग बॉर्डर में लड़ता है, फिर भी हमको विदेशी बोलता है, यही है बंगाल का नीति ऐसा है, इसीलिए हम चुपचाप बैठा है, एक बार फिर हम बीजेपी को वोट डालता है। क्या लगता है ये जो गोरखा वाली आपकी मांग है गोरखालैंड की, इसको कौन पूरा कर सकता है? मोदी जी तो आके बोले गोरखाओं का सपना हमारा सपना, दो बार आके बोले, शायद मोदी जी करेंगे, वही लग रहा है अभी। विश्वास है मोदी जी पर? जी हाँ है, जैसे फिलहाल अभी मोदी जी दे रहा है जितना सुविधा उतना ममता दीदी नहीं दे रहा, काम तो दिखाई नहीं दे रहा है,
काम नहीं दिखे दे रही। क्या परेशानियाँ आ रही है? परेशानियाँ और क्या है, बागान का हम लोग रहने वाला है, यहाँ थोड़ा पेमेंट भी ज्यादा होता तो अच्छा होता। बागान के लिए तो कोई सुविधा नहीं दे रही है ममता दीदी। हम लोग का कहाँ कुछ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ कर रहे हैं, क्या परेशानी है? वो तो बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं बंगाल की महिलाओं के लिए, हम लोग का तो कुछ नहीं किया है अभी। ममता बनर्जी तो कह रही है कि वेस्ट बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो वही कर पाएंगी और कोई नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। भरोसा नहीं है ममता दीदी पर? नहीं।